साला गेट बंद हो गया इधर का। ये जो डिस्प्ले है कई लोगों ने तोड़ दी और टूटी कैसे कि उसको जो है घर ले जाने की कोशिश कर। He's Tarun, he's traveling with us. अभी ये आए हैं अपन लोग यहाँ पर गार्ड केबिन में, यहाँ पर गेट खुला हुआ था तो कुछ तो फायदा हुआ। साउथ इंडिया की प्रीमियम ट्रेन तेजस, ट्रेन नंबर 22672 मदुरई चेन्नई तेजस एक्सप्रेस, जो कि तमिलनाडु की मदुरई को तमिलनाडु के चेन्नई से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन 493 किलोमीटर कवर करती है 6 घंटे 15 मिनट के समय में, और एवरेज स्पीड जो रहती है इसकी पूरी जर्नी के दौरान वो रहती है 78 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस मदुरई तेजस एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं मदुरई टू चेन्नई। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY Vlogs। तो ये रही अपनी मदुरई चेन्नई तेजस एक्सप्रेस, जो कि अभी फिलहाल मदुरई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी हुई है। और अभी तो गेट्स वगैरह ओपन नहीं हुए हैं क्योंकि अंदर साफ सफाई का जो भी है काम वो चल रहा होगा, इसलिए अभी बंद है। क्योंकि चेन्नई से आई है और अब वापस चेन्नई के लिए ये ट्रेन निकलेगी यहाँ से, तो अभी तो फिलहाल गेट बंद है। और आज अपना जो कोच है ना इस चेन्नई तेजस एक्सप्रेस में, वो है ये देखो C9 अपना कोच है। AC चेयर कार में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं आज इस तेजस एक्सप्रेस में। वैसे आपको बताते हैं, ये जो तेजस एक्सप्रेस है ये इंडिया की सेकंड तेजस एक्सप्रेस है और साउथ इंडिया की वन एंड ओनली तेजस एक्सप्रेस है। साथ ही साउदर्न रेलवेज की ये पहली ऐसी ट्रेन है जो 160 की स्पीड पे भी चल सकती है, लेकिन अभी फिलहाल 110 पे रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये लो भाई साहब अपने कोच के, क्या सभी कोच के ट्रेन के पूरे गेट्स ओपन हो चुके हैं। चलते हैं ट्रेन के अंदर, देखते हैं भाई फर्स्ट लुक कैसा है। ये लो भाई, ये है फर्स्ट लुक अपनी तेजस एक्सप्रेस का, एकदम जबरदस्त यार, एकदम जबरदस्त। तो भाई साहब देख लो सीट्स कितनी कमाल की जो है इस तेजस एक्सप्रेस में लगाई गई हैं। देखो सब में इंफोटेनमेंट लगा है, अभी फिलहाल तो ये बंद पड़ा है, आगे जर्नी में हम बताएंगे ये बंद क्यों पड़ा हुआ है भाई, ठीक है। और बाकी इंटीरियर देखो यार, क्या जबरदस्त इंटीरियर है, मतलब एयरक्राफ्ट भी फेल है भाई, ऐसी सीट्स हैं इधर पे इतनी जबरदस्त, ठीक है। ये हो गई सीट्स। वैसे यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी, यहाँ पर बटन है ऊपर, आपको मिलेगा यहाँ पर लगेज स्पेस और बाकी जो फीचर्स होते हैं, चार्जिंग सॉकेट वगैरह मिलेगा, रोलर ब्लाइंड मिल जाएगा, और ये अपना ऑटोमेटिक सेंसर वाला डोर लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर लगा हुआ है अलार्म सिस्टम, जो अपनी चेन होती है ना एमरजेंसी चेन, वो लगा हुआ है। बाकी CCTV कैमरा भी है और वॉशरूम ऑक्यूपेंसी इंडिकेटर भी यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। तो भाई सारी फैसिलिटीज, सारे फीचर्स हैं इस तेजस में और क्या लुक है यार, जबरदस्त। तो बाकी आज जो हमारी सीट है इस तेजस में वो है ये 59 नंबर विंडो सीट, जबरदस्त है। तो भाई सर सीट्स देखो यहाँ की कितनी कंफर्टेबल है, यहाँ पर फुट रेस्ट है और यहाँ पर पुश बैक बटन भी दिया हुआ है, अमेजिंग यार, बेस्ट सीट्स हैं भाई ये, बहुत ही कंफर्टेबल है सही में। और चार्जिंग सॉकेट भी एकदम जस्ट बगल में ही है। तो अपने निर्धारित समय से 3 बजे अपना डिपार्चर अब हो चुका है मदुरई रेलवे स्टेशन से, लेकिन अभी तक गेट्स जो है ना वो क्लोज नहीं हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि पहले जब ये तेजस चलाई गई थी ना तो गेट्स बंद हो जाते थे, लोग अंदर बाहर रह जाते थे, तो उसके बाद ये डिसीजन लिया गया था रेलवेज़ के द्वारा कि जब थोड़ा सा डिपार्चर हो जाएगा ट्रेन चल जाएगी उसके बाद ही ऑटोमेटिक डोर्स को बंद किया जाएगा। अब देखो डिपार्चर तो हो गया है, चल गई है ट्रेन, लेकिन अभी फिलहाल बंद नहीं हुए हैं डोर्स, बट होंगे जल्दी होंगे, लेट्स सी कितनी देर में होंगे। शॉर्ट टाइम पे हम लोग एकदम निकले हैं मदुरई रेलवे स्टेशन से, ये लो डोर्स भी अब क्लोज हो गए। तो निर्धारित समय से अपनी तेजस एक्सप्रेस निकल चुकी है मदुरई जंक्शन से। अब आपको इस तेजस एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें, तो हफ्ते में 6 दिन चलती है, थर्सडे को छोड़कर दोपहर में 3 बजे निकलती है मदुरई जंक्शन से और रात में 9:15 पे पहुंचा देती है चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन। तो अभी हम लोगों की ट्रेन निकल चुकी है मदुरई से और बाकी ये देखो सीट्स पर पहले से ही एक ये न्यूज़पेपर रखा हुआ था और साथ में एक ये मैगजीन भी रखी हुई थी और इस पर साफ लिखा है भाई कि पढ़ो और वापस रख दो, ये रेलवे की प्रॉपर्टी है, इसको लेके नहीं जा सकते। तो ये लो भाई प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से हम लोगों को डिपार्चर के कुछ देर बाद ही 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है।
अब हम आपको बताते हैं भाई, जो हम बोल रहे थे ना कि जो इंफोटेनमेंट वाली स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई थी यहाँ पर, उनको क्यों बंद कर दिया रेलवेज़ ने, ये सर्विस क्यों डिसकंटिन्यू कर दी। क्या हुआ कि सबसे पहली जो तेजस हम लोगों की इंडिया में लॉन्च हुई थी वो हुई थी गोवा और मुंबई के बीच में, उसमें भी ये फैसिलिटी थी। लोगों ने क्या करना शुरू किया, हेडफोन्स इसके साथ रहते थे, उसको घर ले गए जर्नी के बाद। ये जो डिस्प्ले है कई लोगों ने तोड़ दी, और टूटी कैसे कि उसको जो है घर ले जाने की कोशिश करी, निकली नहीं, टूट गई। तो ऐसे ऐसे सीन हुए भाई, और एक आध केस में शायद ले भी गए हैं कोई कोई घर, ऐसा ऐसा सीन हुआ। वो भी सोचो तेजस एक्सप्रेस में, इतनी प्रीमियम ट्रेन में जो लोग ट्रैवल करते हैं, वो ऐसे तो लोग होंगे नहीं कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है क्या ले जाना है क्या नहीं है, लेकिन लोग ऐसा करने लगे। इस वजह से ये बेहतरीन सुविधा अब जो है डिसकंटिन्यू कर दी गई है। और ये जो फैसिलिटी थी ना, ये अपनी मुंबई गोवा पहली तेजस थी, और सेकंड तेजस थी ये, इसी में थी। उसके बाद से जो तेजस एक्सप्रेस बनी है ना, जो दो और चलती हैं, जो दोनों प्राइवेट तेजस हैं, उन दोनों में तो ये फैसिलिटी है ही नहीं, ये ऐसी डिस्प्ले लगी हुई नहीं है। इन दोनों में लगी हुई है, लेकिन ये डिसकंटिन्यू हो गया। ये देख के बड़ा बेकार लगता है यार, इतनी मस्त लगता है यार, मतलब लुक ही देखो यार, क्या ज़बरदस्त आता है। ऐसी डिस्प्लेस वगैरह लगी होती हैं, चालू होती तो ऑल भरा ही होता लोगों का भाई, जर्नी में बोर नहीं होते, सब इंफोटेनमेंट की व्यवस्था होती, लेकिन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया खुद ही। खैर ये देख के यार हमको बड़ा बेकार लगता है, बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस चीज़ पे कमेंट्स में ज़रूर बताना यार। तो ये है अपना इवनिंग स्नैक्स, इसमें एक ये है मेदू बड़ा, ठीक है, एक है ये दाल बड़ा, साथ में ये चाय, और एक ये चिक्की दी है अपन को, एक साथ में ये है मूंग दाल। भाई ये है अपना इवनिंग स्नैक्स जो अभी हम लोगों को सर्व किया, और ये देखो अभी किसी रेलवे स्टेशन को हम लोग बढ़िया स्पीड में स्किप भी मार रहे हैं। चलो बाकी आपको एक चीज़ बता देते हैं, अब आपको इवनिंग स्नैक्स करना है तो यहाँ पर आपको स्नैक्स ट्रे नहीं मिलती है, इसमें जो है आपको बिल्कुल वंदे भारत की तरह ही यहाँ पर मिलेगी एक इवनिंग स्नैक्स ट्रे, मतलब स्नैक्स ट्रे, इसको आपने खोला, यहाँ पर आप रख के अपना जो है ये स्नैक ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी है वो कर सकते। तो ये है भाई तेजस एक्सप्रेस की स्नैक्स ट्रे, और ये रख दिया अपन ने अपना स्नैक्स, और बाहर का व्यू तो यार बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत देर से बहुत मस्त व्यू आ रहा है बाहर का। चलो सबसे पहले ये बड़ा जो है इसको टेस्ट किया जाए, इसका टेस्ट कैसे, वैसे बहुत ऑयली दिख रहा है भाई, देखने में ही ऑयली है भाई, ये बड़ा नहीं है, ये और ही कुछ है, इसका नाम हमें नहीं पता, लेकिन ये मीठा है। बड़ा जो होता है वो नमकीन रहता है, ये मीठा है एकदम, रेन लग बढ़िया रहा है। अब ये क्या है हमको नहीं पता, ये टेस्ट जबरदस्त है, मीठे में है ये कुछ। अब देखते हैं अपना ये दाल बड़ा, एकदम क्रंची है भाई साहब, ये तो टेस्ट इसका अच्छा है, बस ये थोड़ा ठंडा हो गया है, थोड़ा और गर्म गर्म उठा लो और मज़ा आता, लेकिन टेस्ट अच्छा है। और बाकी जो है वो तो सब पैक्ड आइटम है, तो उसका तो क्या ही टेस्ट बताना, सही है यार। हाँ जी सर, एक चीज़ बता दीजिए हमको, ये क्या चीज़ है, इसको आदि रसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदि रसम। ओके, हम समझ रहे थे ये मेदू बड़ा है, तो अभी पता चल गया इसको कहते हैं आदि रसम। चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ, साउथ इंडिया की प्रीमियम ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में ट्रैवल करने का, नई चीज़ खाने को मिली, और इसका नाम भी पता ही चल गया, हाल के हाल स्टाफ से पूछ लिया, बढ़िया है यार। और ये लो भाई अपना गर्म पानी भी आ गया है, अब इसमें अपन अपनी चाय मिलाएंगे और चाय रेडी करेंगे, पूरी हमने इसमें मिला दी है और अब मिक्स करेंगे, उसके बाद अपनी चाय हो जाएगी एकदम रेडी। वैसे अपनी साइड जो है ट्रेन्स में ज़्यादातर वो चायोज और बाग बकरी वाली चाय चलती है, लेकिन ये वाली एकदम डिफरेंट है। तो चलो वैसे इस पे MRP देखते हैं, ये कितने रुपए लिखा हुआ है इस पे तो MRP यार पता नहीं लिखी हुई नहीं है। खैर छोड़ो, अपन टेस्ट करते हैं, टेस्ट कैसा है इसका। ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त। ये हमने इलायची वाली जो है हम लोगों को मिली है इधर चाय, और टेस्ट इसका एकदम ज़बरदस्त है, हमको ऐसा लग रहा था टनल आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है, पहाड़ी इलाका चल रहा है पूरा। चाय बढ़िया है यार, मज़ा आ गया भाई। तेजस एक्सप्रेस का अभी तक का जितना भी चीज़ें थी, फर्स्ट लुक, फर्स्ट मीट, ऑसम है यार, ऑसम।
66 किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग अपने पहले स्टॉप पे डिंडीगल जंक्शन, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 100 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, 2 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 2 ट्रेन टर्मिनेट होती है, और अपनी तेजस एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। और सिग्नल हम देख रहे हैं भाई, ऑलरेडी ग्रीन दिया हुआ। वो देखो ट्रेन मैनेजर जो हैं अपने, मतलब गार्ड साहब जिनको पहले कहते थे, अब वही ट्रेन मैनेजर कहलाने लगे हैं इंडियन रेलवेज में, तो उन्होंने दिखा दिया है ग्रीन फ्लैग। और जैसे कि हमने पहले बताया था, ट्रेन के डिपार्चर के कुछ सेकंड्स या मिनट्स बाद ही ट्रेन के ऑटोमेटिक डोर्स को क्लोज किया जाता है। तो ये देखो ट्रेन अभी चल गई है लेकिन डोर्स अभी भी ओपन है, क्लोज नहीं हुआ है। इससे फ़ायदा है ना, अब होगा कोई बाहर छूटेगा इसके चांसेस बहुत कम हो गए। तो अभी हम इस तेजस एक्सप्रेस में बस वीडियो बना रहे थे, इधर आए तो एक अपने मतलब झारखंड साइड से ही एक भैया हैं, ठीक है, अपने यूट्यूब फैमिली के ही सब्सक्राइबर हैं, तो उनसे हमने बस स्टेशन का नाम, जानते हो आप साउथ में थोड़ा सा नाम जो है लिखने में और बोलने में अंतर होता है, तो इनसे हम पूछने आ गए कि ये स्टेशन आएगा जो अभी आया था डिंडीगुल जंक्शन, उसके बाद बोले कि हम आपको जानते हैं। तो अभी ये जो है 3 साल से इसी तेजस में और हैं झारखंड के, लेकिन अभी सीख गए यहाँ की लैंग्वेज है थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी यहाँ की लैंग्वेज सीख गए। अभी एक आए थे एक पैसेंजर, उनसे बात कर रहे थे तो हमने पूछा, सही है बस देखो। और ये एक एरिया जो है ना जहाँ पर पूरा मतलब मिनी पेंट्री जो होती है तेजस एक्सप्रेस की, वो हम आपको दिखाते हैं जो एरिया है जहाँ पर ये सारा चीज़ें जो है गर्म करने वगैरह का, हॉट केस वगैरह और डीप फ्रीजर वगैरह सब लगा रहता है ना। तो ये अपना जो गेट है जिससे हम लोग अंदर जाते हैं, डोर है, और ये देखो यहाँ पर ये हॉट केस है। अच्छा, इसमें वो खाना वाना जो भी है गर्म करने के लिए, ठीक है, और ये नॉर्मल फ्रिज है। हाँ। और ये भी बॉटल रखने के लिए। अच्छा, ओके ओके। और ये डीप फ्रीजर है, डीप फ्रीजर है, आइसक्रीम वगैरह सब रखने के लिए। ठीक ठीक, मतलब सारी व्यवस्था ये छोटी सी पेंट्री में अपना हो जाता है, मिनी पेंट्री में। ये बॉयलर है, बॉयलर पानी गर्म करने के लिए, चाय कॉफी बनाने के लिए। और यहाँ पे एक्चुअली एक सूप सूप का दिया गया था। हाँ हाँ, ये उसका सिस्टम था सूप गर्म करने के लिए यहाँ पे। तो अभी हम लोग का सूप बन के आता है इसीलिए। अच्छा अच्छा, इसीलिए तो सूप इस तेजस में दिया जाता है अभी। हाँ, दिया जाता है। ओ बढ़िया है। तो यहाँ पर अभी हमने एक चीज़ देखी, यहाँ पर आपका मैगजीन सॉकेट रहता है ना, यहाँ पर USB चार्जिंग भी मिलेगी आपको, डायरेक्ट USB लगाइए और चार्ज करो, कोई टेंशन नहीं है। और ये तो है ही, बोर्ड तो है ही, और यहाँ का जो वाटर बॉटल होल्डर है ना, ये तो एकदम डिफरेंट ही हमको दिखा। ये देख रहो डिज़ाइन देखो इसका, इस तरीके से ये होता है बंद और ऐसे खुलता है। ये तो यार अभी तक किसी ट्रेन में नहीं देखने को मिला इस तरीके का यार, ये भी जस्ट अमेजिंग है यार, मज़ा आ गया। वैसे कई बार ऐसी प्रीमियम ट्रेन्स में हम ट्रैवल करते हैं ना, तो हम उसका फेयर बताना आप लोगों को भूल जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि चलो एंड में बताएंगे, लेकिन वहीं गड़बड़ हो जाती है, हम एंड में भूल ही जाते हैं ट्रेन का फेयर बताना। तो अभी हम इस तेजस एक्सप्रेस का फेयर आपको बता देते हैं, मदुरई से चेन्नई के बीच क्या फेयर है। अभी फ़िलहाल हम लोग जिस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं ये है AC चेयर कार, जिसका फेयर आपको पड़ेगा 1220 रुपये, और इसमें एक और क्लास है एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार, जिसका फेयर आपको पड़ेगा 2320 रुपये अराउंड। बाकी डायनेमिक है तो ऊपर नीचे हो सकता है, और इसी में आपका फूड भी इंक्लूड है भाई, जो भी खाने पीने की सर्विस मिलेगी आपको इसी फेयर में, जो चार्ज लगेगा उसमें इंक्लूड रहेगा। अपने निर्धारित समय से ये आ चुके हैं हम लोग तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन, अपनी तेजस एक्सप्रेस के सेकंड हॉल्ट पे। और जो तिरुचिरापल्ली है ना, वो एजुकेशन सेंटर है तमिलनाडु का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि नेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, और साथ ही में यहाँ का जो फेस्टिवल है, जो इम्पोर्टेंट मेन फेस्टिवल है, वो है पोंगल। और तिरुचिरापल्ली के लोगों को जो रेफर किया जाता है वो किया जाता है एज अ तिरुचाइट। और बाकी अपनी तेजस एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है, और यहीं से जो है अपना जो डिनर वगैरह है ना, वो यहीं से बोर्ड किया जाएगा अपनी ट्रेन में। अभी हम देख रहे हैं स्टाफ वगैरह इधर पे है, तो वो खाना वाना बोर्ड हो रहा है। तो 5 मिनट का अपना यहाँ पर हॉल्ट था तिरुचिरापल्ली पे, लेकिन करीब 7 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन अब चल चुकी है तिरुचिरापल्ली जंक्शन से, और ये लोग ऑटोमेटिक डोर्स भी हो गए क्लोज। तो ये देखो भाई साहब, ये अपना भी डिपार्चर हुआ है तिरुचिरापल्ली से, और साथ में कोयम्बतूर जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हुआ है।
ये हो रहा है पैरेलल डिपार्चर हम लोगों का साथ में। तो वैसे अभी तिरुचिरापल्ली तक अपनी ट्रेन काफ़ी खाली चल रही थी, लेकिन यहाँ से एकदम फुल हो गई है, एक भी सीट्स खाली नहीं है, 100% ऑक्यूपेंसी के साथ चलती है भाई साहब ये तेजस एक्सप्रेस, देख रहो एकदम फुल हो गई है। और साथ में अपने यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं आज अन्ना। हेलो, हेलो, हाउ आर यू? गुड। व्हाट इज़ योर गुड नेम? तरुण। वरुण? तरुण। तरुण, ओके ओके, ही इज़ तरुण, ही इज़ ट्रैवलिंग विद अस। सो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस विद दिस तेजस? Good, na? One day we can go for Madurai and we can return. Okay. So basically ये जो है अप डाउन करते हैं, you up, do up down from this traveling. Okay, okay. In the morning you come from Chennai? 6 o'clock. Okay, okay. तो ये चेन्नई से सुबह आए हैं और अब वापस जा रहे हैं, अप डाउन के लिए यूज करते हैं इस ट्रेन को। सो यू बिलीव इट इज बेस्ट ट्रेन ऑन दिस रूट? ओके। हाउ डिड यू लाइक द फूड? बेस्ट। ओके भाई, अभी तक हमको भी लगा है बेस्ट है खाना वाना तो इस ट्रेन का। तो अभी अपनी ट्रेन निकल चुकी है तिरुचिरापल्ली से, और यहाँ से अब करीब 310 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहेगा। अब ताम्बरम जो है अपनी ट्रेन रुकेगी डायरेक्ट 310 किलोमीटर के बाद, जो कि आएगा शाम को क्या मतलब रात को 8:38 पर। तो अभी शाम का 6:32 हो रहा है और यहाँ पर अभी इवनिंग स्नैक्स तो हो चुके हैं सर, लेकिन पता नहीं अभी कौन से स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स पार्ट 2 हमको लग रहा है सर होने वाला है। चलो देखते हैं अभी क्या सर्व कर रहा है स्टाफ। तो भाई यहाँ पर आ चुका है इवनिंग स्नैक्स, नहीं वो तो हो ही गया था, इवनिंग स्नैक्स पार्ट 2 नहीं है। यहाँ पर ये सीन है कि अभी हम लोगों को सूप सर्व किया गया है, सूप, और वैसे नॉर्मली रहता है ब्रेड स्टिक बटर, लेकिन सूप के साथ ये है एक बन सर्व हुआ है और साथ में ये रहा बटर। भाई एकदम डिफरेंट मेन्यू हमको यहाँ देखने को मिला। वैसे नॉर्मली आजकल जो भी शताब्दी हो गई और अपनी राजधानी वगैरह हो गई, सेकंड एसी, थर्ड एसी, नॉर्मल एसी, चेयर कार, इनमें से सूप वगैरह जो है मेन्यू में से हटा लिया गया है, लेकिन इस तेजस एक्सप्रेस में अभी भी सूप वगैरह दिया जा रहा है। चलो बाकी तो सब पैक्ड है, सूप ट्राई करते हैं। सूप जो है ना ये बना बनाया है, जो आया हुआ है मिनी पेंट्री में से, इसको ट्राई करते हैं। सही है, एकदम थोड़ा चटपटा है, सही है सूप का टेस्ट। तो भाई ये तेजस एक्सप्रेस में ये चीज़ भी आपको डिफरेंट मिलेगी, जो कि अब कोविड के बाद से सभी ट्रेन में से विड्रॉ कर दिया गया है, लेकिन इसमें अभी भी सूप का सिस्टम चल रहा है, और वो भी ब्रेड स्टिक बटर के साथ नहीं, बन बटर के साथ। रात का अब बजने वाला था 8 और हम लोगों को अब सर्व किया जा रहा था डिनर, और हमने वेज ऑर्डर किया था तो वेज डिनर आ जाता है, जिसमें एक पनीर की सब्जी, दाल फ्राई, 2 रोटी होती हैं, एक जीरा राइस और साथ में एक सूखे आलू की सब्जी जो कि फ्राइड आलू टाइप का था, फिर आ जाता है साथ ही में एक दही, और मीठे में आ जाता है गुलाब जामुन। खाना हम टेस्ट करते हैं तो खाने का टेस्ट मतलब एवरेज था, उतना बेस्ट नहीं था जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उसके बाद अब हम लोग ट्राई करने वाले हैं मीठे में गुलाब जामुन। बढ़िया, एकदम एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन है भाई, खाते ही मुंह में घुल जा रहा है, जबरदस्त एकदम। ये समझ लो जो अपना पूरा डिनर था ना, उसमें सबसे बेस्ट यही था गुलाब जामुन, जो कि अब हम खा चुके हैं। तो भाई से अभी पीछे भीड़ देख रहा हूँ ना, काफ़ी सारे पैसेंजर्स जो हैं अभी ताम्बरम रेलवे स्टेशन पे जो है डिबोर्ड करेंगे ट्रेन को, इसलिए हम तो अराइवल लेने भी नहीं जा पा रहे हैं। पूरा गेट ब्लॉक है, इस साइड से भी उस साइड से भी बहुत पैसेंजर जो है यहाँ पर डिबोर्ड करने वाले हैं। 471 किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 2 मिनट पहले ये आ चुके हैं हम लोग ताम्बरम रेलवे स्टेशन, और ये ना हम लोगों की इस तेजस एक्सप्रेस का आखिरी स्टॉप है, इसके बाद सीधे पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे अपनी तेजस एक्सप्रेस का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं था, अभी जस्ट 1 महीने पहले यहाँ पर इसका हॉल्ट दिया गया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती थी, जिनको यहाँ उतरना होता था जाते थे वो चेन्नई और फिर वापस आते थे। साला गेट बंद हो गया इधर का। ओहो,
भाई गेट बंद उधर का हो गया और फिर खुल गया, पता नहीं क्या नाटक है। इसलिए एक महीने पहले जो है यहाँ पर हॉल्ट दिया गया इस तेजस एक्सप्रेस का, उससे पहले नहीं था यहाँ। बहुत लोगों ने बहुत मतलब आधे से ज़्यादा ट्रेन यहाँ खाली हो गई, देख ही रहो बहुत लोगों ने डीबोर्ड किया। दो मिनट का हॉल्ट है वैसे यहाँ पर, सिग्नल हो गया है ग्रीन, समझ नहीं आया ये क्या एरर था, वाला गेट बंद होने लगा, इसलिए हम दौड़े फटाक से एकदम लगा नहीं छूट गए भाई। 25 किलोमीटर दूर अभी हैं हम लोग चेन्नई से। तो ये लो भाई साहब डिपार्चर हो गया और अभी भी गेट बंद नहीं हुआ है, वो कोई एरर था इसलिए उस टाइम गेट बंद हो गया, और ये लो अब हुआ है गेट अपना बंद। अभी ये आए हैं अपन लोग यहाँ पर गार्ड केबिन में, यहाँ पर गेट खुला हुआ था लेकिन हमें पता नहीं था, ठीक है। और बाकी ये है भाई सिस्टम पूरा गार्ड का, ठीक है। यहाँ पर ये देख लो चाबी लगती है तब ये वाला जो है पूरा बॉक्स काम करता है, और इसी से गेट्स ओपन होते हैं। ये लिखा है ना रिलीज, लेफ्ट राइट वगैरह ये सब यहाँ से ऑपरेट होता है। यहाँ का जो ट्रेन मैनेजर होते हैं ना वो ऑपरेट करते हैं ऑटोमेटिक डोर्स सभी ट्रेन्स में। ये हो गई वंदे भारत हो गई, इसी तरीके से होता है ऑपरेट। तो निर्धारित समय से 8 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन तेजस एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन। वैसे ट्रेन के उतर के बाहर तो हमेशा ही व्लॉग को एंड करते हैं, सोचा इस बार ट्रेन के अंदर ही किया जाए। बाकी ये थे हमारे साथ, आपका नाम अभिषेक साहब सर, अभिषेक जी थे हमारे ट्रेन में जो है केटरिंग स्टाफ, बढ़िया काम था, बढ़िया सर्विस थी सर, और ट्रेन मेंटेन भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और बाकी वॉशरूम हमने आपको नहीं दिखाया, वॉशरूम अभी दिखा देंगे, वॉशरूम भी एकदम बढ़िया मेंटेन है। तो आप कहाँ से रहने वाले हैं? कोलकाता सर। कोलकाता, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया है। बाकी हमको तो सही लगा इस ट्रेन का, सफ़र भी बढ़िया था, ऑन टाइम है हर जगह, और खाने पीने की लेते जाइए पानी, अच्छा काम आएगा। लो भाई एक एक्स्ट्रा बॉटल ही मिल गई, धन्यवाद। बाकी हमको तो सही लगी भाई ये ट्रेन हर चीज़ के मामले में, साफ़ सफाई, मेंटेनेंस, खाना, हर चीज़ बढ़िया है। बाकी आपको कैसी लगी है ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किन लोगों ने, जिन लोगों ने भी इस रूट पे इस तेजस से ट्रैवल किया उन्हें पता होगा कैसी है कैसी नहीं है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो डेस्टिनेशन पे तो हम लोग पहुंच चुके हैं, चलिए अब दिखाते हैं वॉशरूम की कंडीशन आपको। भाई साहब वॉशरूम एकदम ज़बरदस्त मेंटेन है, पूरा स्मेल वगैरह पूरी जर्नी के दौरान ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस आई, कोई स्मेल नहीं। और यहाँ पर देखो हैंड वॉश वगैरह सब अवेलेबल है, साफ़ सफाई एकदम ज़बरदस्त है भाई वॉशरूम की भी पूरी जर्नी में।